खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर अल्मोड़ा से। तो लगातार बारिश से मौसम में बदलाव, तो तापमान में दर्ज की गई गिरावट। एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रहने के निर्देश। जिले में लैंडस्लाइड से 3 सड़क मार्ग बंद हुए हैं। तो अल्मोड़ा से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बारिश में मौसम में बदलाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तापमान में इसी के साथ गिरावट भी दर्ज की गई है। एनडीआरएफ ने मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है, पूरी तरीके से मुस्तैदी बरती जा रही है। जिले में लैंडस्लाइड से 3 सड़क मार्ग बाधित हुए हैं, जिसके बाद इनके भी खोलने की कवायद लगातार जारी। तो लगातार मौसम जो है वो चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहा है पहाड़ पर। अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम में बदलाव, तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो लैंडस्लाइड से अब तक यहां पर 3 सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए किस तरह से जो अल्मोड़ा की फिजाएं हैं वो देखिए सफेद बादल से पटी नजर आ रही है। लगातार बारिश का दौर यहां पर देखा जा रहा है, उसके बाद मौसम जो है उसमें बदलाव देखा जा रहा है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, बड़ी खबर आपको बता दें। देहरादून पिथौरागढ़ में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तो लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से। तो अभी भी स्थिति जो है वो आने वाले दिनों में बेहद और चुनौतीपूर्ण उत्तराखंड के लोगों के लिए हो सकती है। तो आपको बता दें कि देहरादून पिथौरागढ़ में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है इन जिलों में। तो लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए अलर्ट, 4 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से मौसम विभाग के, यानी आने वाले जो दिन है वो और चुनौतीपूर्ण पहाड़ के। लगातार उत्तराखंड के अंदर जो बारिश बरस रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को खासी दिक्कत हो रही है और दिक्कत के कारण उनका जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट पर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। और अभी भी देखिएगा कि साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 2 से 3 दिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड की तरफ से, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 4 जिलों के अंदर आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी है। और आप देखिएगा कि अभी भी जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसको देखते हुए प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं एनडीआरएफ। तो बिल्कुल इस अलर्ट का किस तरह से धरातल पर असर देखने को मिल रहा है धनराज, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा भी मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। जी बिल्कुल, देखते किस तरीके से लैंडस्लाइड का खतरा मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। और लगातार देखने में भी आता है कि जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर रहती हैं और तमाम ऐसी जगह जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा पहले से ही बना रहता है उन जगहों को चिन्हित कर पहले से ही वहां पर जो तकनीकी मशीनें हैं या फिर टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीम हो चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, तैनात करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। और वो देखने में भी आता है कि लगातार जो टीमें हैं वो वहां पर धरातल पर काम करती हुई नजर आती हैं और तमाम जो टीमें हैं ऐसी जगहों को पहले से ही चिन्हित करके वहां पर पहले से ही टीम गठित की जाती है और उसको वहां पर जो तकनीकी मशीनें, चाहे हम जेसीपी की बात करें, पोकलैंड की बात करें, तमाम जो तकनीकी मशीनें हैं वो वहां पर मौजूद रहती हैं। जी बिल्कुल, तो यहां पर टीमें पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में अगर लोगों की बात करें तो लोगों को किस तरह की हिदायतें, किस तरह की अपील और किस तरह से असर इन अपीलों का देखने को मिल रहा है लोगों के बीच? जी बिल्कुल, देखिए जी जब भी मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं जनता से भी अपील की जाती है कि ऐसे मौसम में जो यात्रा है वो कम से कम करें, यानी कि ज्यादा ही जरूरत हो तो तभी यात्रा करें वरना अपने घरों में रहें। और यात्रा करने से पहले कहीं ना कहीं मौसम विभाग का जो पूर्व अनुमान है उसको जरूर जान लें ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, किसी हादसे का शिकार न होना पड़े। और लगातार देखा भी जाता है कि जब भी उत्तराखंड के प्रशासन हो चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, उनकी तरफ से जब भी कोई अपील जारी की जाती है तो कहीं ना कहीं जनता उसको मानती भी है और जनता उसके लिए रुकती भी है। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपील करते हैं कि ऐसे समय में नदी नालों के पास न जाएं, क्योंकि नदी नाले भी लगातार उफान पे रहते हैं और ऐसे में बड़े हादसे होने की संभावना बनी रहती है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं एडवाइजरी लगातार जारी की जाती है और तमाम जो चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्री हैं उनके लिए भी यही एडवाइजरी जारी की जाती है। जी बिल्कुल धनराज, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको